Assalamualaikum. Hope you all are fine. Today I'm making very delicious farfalle red sauce pasta. So it's really delicious and very easy recipe. Hope you will enjoy this recipe. So let's start. So first of all, I'm using the farfalle pasta. As you see, इनकी shape इस तरह से होती है जैसे bowl type जिसको हम बोलते हैं. इसको हम सबसे पहले करेंगे बॉयल. मैंने पतीली में पानी लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है. आप लोग अपनी क्वांटिटी से जितनी बनाना चाहते हैं, आप पानी का कोई अंदाज़ा नहीं है, आप जितना मर्ज़ी डाल दीजिए. 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है और इसको बॉयल होने छोड़ दिया था. और ये अच्छी तरीके से बॉयल हो गया तो इसमें मैंने फारफाले पास्ता जो है ऐड कर दिया है. अब हम इसको लो फ्लेम पर बॉयल करेंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाता. इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे थे और ये बॉयल हो गया है. इसके बाद मैंने अलग-अलग कढ़ाई में ऑयल डाला है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लहसुन डाला था. इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे. साथ में इसमें ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ अनियन और इसको भी हम साथ सौते कर लेंगे. ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना, बस जब तक ये प्याज थोड़ा सा नरम नहीं हो जाता. ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे. इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून वाइट फ्लावर और इसको भी हम हल्का सा इसके साथ ही भून लेंगे. तकरीबन 5 मिनट इसमें चम्मच हिलाना है हमने ताकि ये थोड़ा सा जो फ्लावर है वो अच्छे तरीके से ब्राउन सा और भून सा जाए. इसके बाद मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ काली मिर्च. तकरीबन 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है. इसके बाद मैं इसमें डालने लगी हूँ सॉल्ट. अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप इसमें ऐड कर सकते हैं. इसके बाद हम दोबारा से इसको सौते करेंगे और साथ ही मैंने इसमें डाला है चाट मसाला 1/2 टेबल स्पून और इसको हम अच्छे तरीके से सौते कर लूँगी. ये सब हो जाने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ तकरीबन 2 से 3 कप मैंने फुल फैट मिल्क ऐड किया है और हमने आप देख सकते हैं एक सॉस ही तैयार करेंगे हम लोग. और ये देखिए ये अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है. ये थोड़ा सा जब गाढ़ा सा हो जाएगा ऐसे उसी के तकरीबन 5 मिनट लगे थे, इसको थोड़ा सा मैंने फ्राई कर लिया है. इसके बाद मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ टमाटर प्यूरी. घर में ही मैंने तैयार की थी. तकरीबन 4 टमाटर लेकर उनको मैंने पानी डालकर ग्राइंड कर लिया था और इस तरह से हमने प्यूरी की तैयार कर ली थी. इसके बाद हमने इसको पकाना है लो फ्लेम पर तकरीबन 10 से 15 मिनट और आप देख सकते हैं ये थोड़ा गाढ़ा सा हो गया है. इसके बाद मैं इसके अंदर बॉयल फारफाले पास्ता जो है वो मैंने ऐड कर दिया है और हमने इसको अच्छे तरीके से हिला लेना है. और इसको तकरीबन 5 मिनट मैंने लो फ्लेम पर पकाया था और ये बहुत डिलीशियस था फारफाले पास्ता रेडी है. अब हम इसको सर्व करते हैं. बहुत ही झटपट और बहुत लाइट सा है. आप इसको दोपहर को बना के या बच्चों को भी आप दे सकते हैं और मेहमानों के आगे भी सर्व कर सकते हैं. इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बहुत ही यमी और बहुत ही डिलीशियस. झटपट तैयार होने वाला ये फारफाले पास्ता आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो और बहुत ईजी और झटपट तैयार होने वाली वीडियो से वो भी फ़ायदा उठाएं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दुआओं में याद रखिए. अल्लाह हाफिज़.